हे गाइस, आप लोग कैसे हो? इस समय तो बस कोरोना कोरोना कोरोना, हर जगह कोरोना का आतंक मचा हुआ है। लेकिन हमें इससे ना घबराना है ना डरना है। और मैं यहाँ कोई कोरोना की बात लेकर नहीं आई हूँ कि मैं भी बताऊंगी कैसे आपको क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। तो सबको पता है, आजकल तो जैसे भी टीवी ऑन करो तो उसमें न्यूज़ में सब बता देते हैं, आपके न्यूज़पेपर में सब है, व्हाट्सएप खोलो तो सब है। तो इसलिए मुझे यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं यहाँ कोरोना के बारे में बात करने आई। जब कोरोना वायरस फैला हुआ है सब जगह, तो लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे कल ही न्यूज में मैंने देखा कि सैनिटाइजर का इतना मतलब गलत तरह से लोग नकली बनाना ही स्टार्ट कर दिया, मतलब यूज किए हुए मास्क के फिर से मार्केट में ला करके बेच रहे हैं। मुझे लगा कि क्यों ना मैं घर पर ही मास्क बनाऊं, जिससे मुझे कोई गलत मास्क मेरे हाथ में ना आए। तो मैंने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ मास्क बनाए हुए हैं। कुछ इस तरह का ये मास्क है, मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसा कुछ है, ये मैंने घर पर ही ये मास्क बनाया हुआ है। तो ये मास्क बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि गलत मास्क मैं अपने घर पर ना ला पाऊं। मास्क लगाने से मुझे बिल्कुल भी सफोकेशन नहीं हो रहा है, कपड़ा इसका बहुत अच्छा है। ये मलमल का कपड़ा है, जिससे हम पनीर निकालते वाला कपड़ा है। इसको पहले मैंने अच्छे से वॉश किया है और इस डेटॉल के पानी से इसको धोया है, फिर अच्छा धूप में सुखाया है और फिर इसको मैंने मास्क बनाया है। बहुत ईजी है, आप चाहें तो इसमें दूसरा कलर भी ले सकते हैं, मैंने व्हाइट लिया है, आप चाहें तो ब्लैक कलर भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसा कपड़ा लेना है पतला, ये जिससे पनीर निकालते हैं वो कपड़ा है ये। अब इसको हमको नापना है एक स्केल की हेल्प से। स्केल लेंगे, उसमें हमारी जो लेंथ रहेगी, ये जैसा ये हम मास्क बनाया है तो इसकी जो लेंथ है, इसमें मैं लेंथ ले रही हूँ 25 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ निशान लगा लिया, ये 25 सेंटीमीटर लेंथ ले रही हूँ और 16 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। ऐसे चौड़ाई उसको मैं 16 सेंटीमीटर ले रही हूँ, ये 16। ये हमारा कपड़ा कट हो गया है। अब इसको सिलने के लिए हम सुई का यूज करेंगे, आप चाहे तो मशीन में भी सिल सकते हैं, बट मैं यहाँ सुई से बता रही हूँ, सुई धागे से कैसे सिलना है। पहले ये जो लंबाई है, ये दोनों तरफ की लंबाई को अब सुंदर बना तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुंदर भी होना चाहिए। तो इसको बस डबल फोल्ड कर दिए, एक फोल्ड ये किया और एक फोल्ड और करके इसको ऐसे सिल लेंगे। इसको ऐसे सिलना, ये अंदर बाहर, अंदर बाहर, ये अंदर किया, ये बाहर निकाला, फिर ये अंदर किया, फिर ये बाहर किया। फिर आप चाहें तो मशीन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो बनाया है वो सुई धागा से ही बनाया है, मैंने उसको भी मशीन से नहीं बनाया है। अंदर बाहर करके इसको देखिए, जैसे कच्ची सिलाई करना है, इसी तरह दोनों साइड कर लेंगे। ये दोनों साइड हमारा सिल गया। अब इधर इस साइड का थोड़ा हमको चौड़ा रखना, क्योंकि इस साइड से हमको इलास्टिक डालनी है इस तरह की। ये देखिए, इस तरह की इलास्टिक मैंने ली है, ये गड़ेगी भी नहीं, थोड़ा सा चौड़ी रहे, या गोल भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको मिल जाए आसानी से। तो इस तरह की इलास्टिक डालना है, इसलिए हमको इसमें इसमें थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। ये देखिए, ये ऐसा इतना कम से कम चौड़ा होना चाहिए। तो इलास्टिक के डालने के लिए भी हम पहले इसको एक डबल सिंगल फोल्ड और एक ये डबल फोल्ड, डबल फोल्ड थोड़ा सा ऐसा चौड़ा रखेंगे, ये इतना चौड़ा कि जिससे हमारी यहाँ अंदर से इलास्टिक निकल सके। इसको यहीं से स्टार्ट कर देंगे,
इसे कच्ची सिलाई कर लेंगे, फटाफट हो जाती है। ये देखिए इस साइड में, ये साइड हमने एक तरफ सिल लिया है। अब एक तरफ मैं पहले इलास्टिक डाल के बता देती हूँ, सेफ्टी पिन ले रही हूँ इलास्टिक अंदर डालने के लिए। इसको बंद कर दिया सेफ्टी पिन को, और एक होल यहाँ से डालेंगे, एक तरफ से डालेंगे, दूसरे तरफ से निकाल लेंगे सेफ्टी पिन को। ये निकल आए, इसको ओपन करके सेफ्टी पिन अलग कर देंगे। और इसका मैंने तो अपना कान का साइज लिया था, तो जितना मेरा ये है, जितना ये कपड़ा है उतना ही सिर्फ लगना है, तो ये जितना कपड़ा है उतना ही मैंने लिया है। बस यहाँ से इसको कट करके इसको जॉइंट कर लेंगे। ये कट किया इलास्टिक को, इन दोनों को यहाँ से जॉइंट कर देंगे इस सुई धागे की हेल्प से। हमारा जॉइंट हो गया ऐसा। इसी तरह हम इधर भी सिल करके इलास्टिक डाल देंगे। अब मैं दूसरी तरफ सिलाई कर रही हूँ, इस तरफ भी हम ये डालेंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक डाल देंगे। इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे, तीन चार बार कर लेंगे, तीन चार बार में ये ज्वाइंट हो जाएगा। ये हमारा मास्क रेडी हो गया। ये देखिए ये हमारे मास्क, ये देखिए ये अभी मैंने बनाया, ये पहले बनाया था ऐसा। इसको लगा लिए और इसको फिर ऐसा लगा लिया ये मास्क। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको कितना बड़ा बनाना, कितना चौड़ा बनाना, कितना लंबा बनाना है, सब अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए मास्क हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आपको ये मास्क बनाने का आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, जिससे लोग घर पर ही अपना मास्क बनाएं और वो गलत मास्क लेने से बचे। और जो मास्क आजकल बाजार में मास्क बहुत महंगे भी हो गए हैं, तो बहुत लोग लूट रहे हैं, तो उससे भी बच सकते हैं ऐसे घर पे मास्क बना करके। तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं सब में शेयर करिएगा।